हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पीके क्लासेस में। आज बहुत दिन बाद मैं कोई वीडियो ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जो आप देख रहे होंगे, क्योंकि एसएससी सीजीएल 2024 का अब एग्जाम ज़्यादा दूर है नहीं, तो उसकी वैकेंसी की डिटेल में बात कर लेते हैं कि इस बार वैकेंसी कितनी आने वाली है लगभग लगभग। और जो आपका 4600 ग्रेड पे वैकेंसी है, आपका 40 ग्रेड पे जो वैकेंसी है एक्साइज इंस्पेक्टर की, इसकी कुछ वैकेंसी आरटीआई के द्वारा डिस्क्लोज हुई हैं, ठीक है, डिस्क्लोज हुई हैं। तो हम इसको आपको सब कुछ बताते हैं कि कितनी वैकेंसी कहां पर है, और मैं आपको यहां पर जोन वाइज वैकेंसी बताने वाला हूं कि जोन वाइज आपकी कितनी वैकेंसी रहेगी, और आपको कहां नॉर्थ में, क्योंकि नॉर्थ में अधिकतर लोग चाहते हैं कि नॉर्थ पे पोस्टिंग हो जाए, जो नॉर्थ के हैं, तो नॉर्थ में इस बार वैकेंसी कितनी है, और आपका साउथ जोन में कितनी है, नॉर्थ ईस्टर्न जोन में कितनी है, ईस्ट जोन में कितनी है, ये सब बेस्ट जोन में कितनी है, ये सब हम आपको बताएंगे कि किस जोन में कितनी वैकेंसी। तो मेरा नाम पुष्पेंद, सीजीएल 2019 से इंस्पेक्टर गुवाहाटी जोन में हूँ, और अब मैं आपको वैकेंसी की डिटेल बताता हूँ यहाँ पे। तो आप पूरा वीडियो स्किप बिना किए आप देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितनी वैकेंसी है आपकी, कहाँ पे आपको, कहाँ आप कितने रैंक पर आपका हो सकता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। रैंक वाइज सिलेक्शन का लेकर मैं बताऊंगा कि पिछली बार कितने रैंक तक आपको मिल गया था, तो इस बार एक्साइज कितने रैंक तक मिल जाएगा, ये सब डिटेल मैं अदर वीडियो में बताऊंगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इसी रिलेटेड वीडियो आएगी। तो अभी हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं किस जोन में कितनी वैकेंसी है। ये आपके सामने है जोन वाइज वैकेंसी का चार्ट हमने दे रखा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो सामने आपको दिख रहा है, जो सीजीएल 2023 की वैकेंसियां रिफ्लेक्ट की है मैंने, ये फाइनल वैकेंसी रिफ्लेक्ट की है यहाँ पे, और ये सीजीएल 2024 की वैकेंसी, ये स्टार मार्क है, क्योंकि अभी ये ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल आएंगे तो आपको पता और चल जाएगा। ये अभी आपकी आरटीआई बेस पर है, ये ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले हम दिल्ली की बात कर ले, तो दिल्ली ने रिपोर्ट की है वैकेंसी आपकी 2023 की, अगर बात करूं तो 88 वैकेंसी रिपोर्ट की गई थी, लेकिन 2024 में वैकेंसी ये घट गई है, तो 39 वैकेंसी केवल आपकी यहां पर रिपोर्ट की गई है। अगर कैटेगरीज वाइज बात कर लूं, तो एसटी को 2 वैकेंसी, एससी को 5, ओबीसी को 10, ईडब्ल्यूएस को 3, और 19 को यूआर को। रिमार्क्स में यह है कि वैकेंसी इंक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। चंडीगढ़ की बात करूं, चंडीगढ़ में पिछली बार देखिए 8 वैकेंसी थी, इस बार सीधा 112 वैकेंसी का इंक्रीज हुआ है, तो इसी हिसाब से देखिए बाइफरकेशन आप देख सकते हैं, यूआर की 53 है, ईडब्ल्यूएस की 14, ओबीसी की 22, और एससी की 23, और एसटी की आपकी 8 है। अगर जयपुर की बात करूं, तो जयपुर में 108 वैकेंसी थी पिछली बार, अब इस बार वैकेंसी थोड़ा सा कम हो गया, तो यहाँ पर थोड़ा कम 29 वैकेंसी है केवल इस बार, तो यहाँ पे देख सकते हैं एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पे, यूआर की 18 है, और बाकी 3, 3, 5 है। अगर भोपाल जोन की बात करूँ, तो भोपाल जोन ने थोड़ा सा वैकेंसी इंक्रीज किया, पिछली बार जो थी 85 थी, इस बार 109 वैकेंसी कर दी, तो एसटी के लिए 6 है, 14 एससी के लिए, 2 ओबीसी के, 25 ईडब्ल्यूएस, 62 है यूआर के लिए। अगर आप लखनऊ की जोन बात करो, हाई डिमांडेड जोन है, जो चंडीगढ़ और लखनऊ, जयपुर, ये सब ज्यादा जोन, ये जो ऊपर जोन लिखे हैं, ये सबसे ज्यादा मांगे जाते हैं, नॉर्थ जोन जो है ये बहुत ज्यादा मांगे जाते हैं, तो यहाँ पे देखो 13 वैकेंसी रिफ्लेक्ट की थी पिछले साल, इस बार 37 वैकेंसी है, 11 है एससी की, एसटी की, और 8 ओबीसी की, 2 ईडब्ल्यूएस की, और 16 आपकी यूआर की, ठीक है। बड़ोदरा की बात करूं, बड़ोदरा क्योंकि आपको पता हाई प्रोफाइल जोन है, इसमें थोड़ा सा आपको जाने में मजा आएगा अगर आप जाना चाहते हैं, तो सीजीएल 2023 से बात करूं, 207 थी, इस बार 291 हो गई, और यहाँ पे एसटी की 16 है, एससी की आपका 65 है, 180 ओबीसी, और 29 ईडब्ल्यूएस। यूआर की देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए एक ही वैकेंसी है यहाँ पे, अब ये वो बाद में पता चले जब ऑफिशियल डाटा आएगा। मुंबई की बात करूं, तो आपका 621 वैकेंसी थी, इस बार सुनने में आ रहा है 128 वैकेंसी, अभी कोई क्लियरिटी नहीं है इस पे, तो अभी इस पे वेट करते हैं। ऐसे ही बेंगलुरु की बात करूं, तो 86 वैकेंसी थी, इस बार 297 रिफ्लेक्ट की गई है, ये जो स्टार मार्क है इन पर अभी कन्फर्म नहीं हुआ, ये कन्फर्म होते ही आपको बता दी जाएंगे, ठीक है। ये इतना रिफ्लेक्ट किया गया है, अब यहाँ पे ये कैटेगरीज वाइज रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, जैसे ये कैटेगरीज वाइज रिफ्लेक्ट होगा तो आपको ये भी डिटेल कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर बात करूं भुवनेश्वर की, भुवनेश्वर में बात करूं, तो पिछली बार 56 थी, इस बार 47 है, तो वैकेंसी का बाइफरकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। बात करूं चेन्नई जोन की, चेन्नई जोन में आपको बात हो 550 वैकेंसी लगभग लगभग बताई जा रही हैं, इससे ज्यादा ही बताई जा रही है, अब वैकेंसी का आपको बाइफरकेशन नहीं हुआ, जैसे ही बाइफरकेशन होगा तो आपको पता चल जाएगा। गोवा में एक वैकेंसी थी पिछली बार, इस बार 7 वैकेंसी, तो ये उसका बाइफरकेशन आप देख सकते हैं। गुवाहाटी जोन की बात करूं, जिस जोन में ये मेरा जोन है, मैं इसमें पोस्टेड हूं उस समय,
ठीक है, इसमें मैं पोस्टेड हूँ। 102 वैकेंसी पिछली बार रिफ्लेक्ट हुई थी, इस बार 78 रिफ्लेक्ट हुई है, तो इस हिसाब से देख सकते हैं कितना वैकेंसी किसको दी गई है। ठीक है, हैदराबाद की बात करूँ, पिछली बार 597 थी, इस बार 204 दी गई, तो यहाँ पे अभी कुछ आया नहीं, तो इसमें अभी ये डेस्क मार के छोड़ दिया। कोलकाता की बात करूँ, ये बहुत ज्यादा वैकेंसी इंक्रीज हुई है, बहुत अच्छे लेवल 6 के गुना आपके आसपास वैकेंसी इंक्रीज हुई है, तो इस बार कोलकाता जॉन वालों के लिए चांदी है और अच्छा जॉन वीक है, और यहाँ पे वैकेंसी भी ठीक ठाक हर जगह दे रखी है, SC OBC सबके लिए अच्छे से वैकेंसी दे रखी है। रांची जॉन की बात करूँ तो पिछली बार 38 थी, तो इसका रिवर्सल कर दिया 83, और यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये सब वैकेंसी रिफ्लेक्ट। त्रिवेंद्रपुरम की बात करूँ 94 थी, इस बार 93 है, और ये आपका वाईफाई रिलेशन है। ठीक है, तो आपने जो वैकेंसी देखी है, अब आपको लग रहा होगा कि ये जो टोटल वैकेंसी लगभग लगभग आपकी बात करूं, अगर ये जो टोटल वैकेंसी आपकी हम यहाँ पे बात करें, जो टोटल वैकेंसी की बात करूं, टोटल वैकेंसी की बात करूं जो जो अभी आपकी हो रही है, वो 2500 प्लस वैकेंसी हो रही है। तो ये जो 2500 प्लस वैकेंसी है आपकी, केवल और केवल आपकी एक्साइज की है। किसकी? एक्साइज की है केवल ये वैकेंसी। तो इस बार जो CGL SSC CGL जो 2024 का पेपर होने वाला है, और इसमें जो वैकेंसी आपकी आने लगभग लगभग 10K से प्लस ही वैकेंसी आई है, क्योंकि ये तो केवल 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी है। इसकी डिटेल मैंने आपको बताई, और भी डिटेल में अभी RTE लगा हुआ है, जैसे ही RTI का रिप्लाई आएगा आपको पूरा डिटेल में और बता दिया। अभी मैंने इनकम टैक्स का भी पता करने को कोशिश किया है कि इनकम टैक्स में कितनी वैकेंसी। इसके अलावा अगर बात करूं PO की इस बार वैकेंसी जो रिफ्लेक्ट हुई, 271 वैकेंसी रिफ्लेक्ट हुई है, ये PO की वैकेंसी है, वैकेंसी ऑफ प्रिवेंटिव ऑफिसर की वैकेंसी है, और ये 271 रिफ्लेक्ट हुई इस बार। ठीक है, तो याद रखना ये 271 है रिफ्लेक्ट हुई। अब जॉन वाइज भी मैं आपको इसको बता दूंगा कुछ दिन बाद, जॉन वाइज भी इसकी हम आपको डिटेल वीडियो बना देंगे। अगर जो व्यक्ति जो स्टूडेंट्स अब तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं, तो प्लीज तैयारी कर दीजिए, इस बार आपका बहुत चांसेस रहेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पिछली बार मैं बता देता हूँ आपको, 7500 के आसपास आपकी रैंक पर आपको एक्साइज मिला था। ठीक है, एक्साइज आपको इतनी रैंक पर लगभग लगभग मिला था, तो आप अगर तैयारी करेंगे तो आपको इस बार भी रैंक अच्छी रैंक पे आपको अच्छा जॉन मिल सकता है, अगर आप थोड़ी सी तैयारी करेंगे। अगर आप मान के चलिए अगर 1000 के आसपास आपकी रैंक रहती है, इतनी रैंक आपकी रहती है, तो आप मान के चलिए तो आपको 100% लखनऊ, भोपाल, दिल्ली, जयपुर, और आपका लखनऊ, भोपाल, दिल्ली, जयपुर, ये आपको और मिल सकते हैं, इनमें से कोई आपको एक मिल सकता है। ठीक है, तो आप अगर इसकी इसके लिए अगर कर रहे हैं तो आपको इनमें से कोई ना कोई मिल ही जाएगा, अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चंडीगढ़ भी बहुत लोगों को प्रेफर करता है, चंडीगढ़ जोन भी, ये 5 जोन जो है, जो अगर आप सच में आप जाना चाहते तो इसमें, क्योंकि वैकेंसी अच्छी रिफ्लेक्ट की गई है इस बार, तो आप अगर 1000 रैंक के आसपास लाते हैं, और यहाँ मैं कहूंगा कि 1000 नहीं 1100 कर लीजिए, आप 1100 प्लस ही कर लीजिए, इतनी रैंक पर आपको यहाँ पर मिलने के चांसेस रहेंगे। रैंक वाइज जो डिवीजन है वो मैं आपको बताऊंगा कितने रैंक पे नॉर्थ में आपको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल में आपको हम वीडियो बनाएंगे, तो इस वीडियो में आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आएंगी जो मैंने बताया है। और इसके अलावा अगर आपको और भी चीजें हैं जो बतानी बाकी हैं, तो वो मैं आपको कुछ देर बाद, मतलब कुछ दिनों में हम पूरा डिटेल कर देंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही है, बाकी अगर कुछ आता है तो आपको बताया जाएगा। पीजी क्लासेस आपके आप टच में रहेगा, क्योंकि अब मेरे पास टाइम है तो मैं आपके टच में रहूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ा।